सुंदर पिचाई भाई साहब कहां से निकला ये इंसान, साउथ इंडियन, यू नो, रिच बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, ये बंदा अपनी सोच से, अपने दिमाग से आज जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक गूगल, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, सो गूगल जैसी कंपनी, उनके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गूगल जैसी कंपनी के, ना थिंक ऑफ इट कि इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ, $600 मिलियन की नेटवर्क, और ये बंदा एक साउथ इंडियन है, हैरान कर देने वाली जर्नी है, कहां से कहां पहुंच गया। बाकी में बताता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से बैकग्राउंड से हो, अगर आप में टैलेंट है ना और अगर आपका दिमाग चलता है तो कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हो। अब आप अंदाजा लगाओ, एक साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में पला बड़ा ये बंदा सुंदर पिचाई, पढ़ लिख के, थोड़ा बड़े बड़े सपने देख के, तो आईटी से पास आउट होने के बाद जॉब्स के लिए यूएस गए, वहां से अपने दम पर गूगल में सेलेक्ट हुए, और फिर गूगल में अपने दम पर गूगल क्रोम जैसी, यू नो, फैसिलिटी वी कैन से, और आज गूगल क्रोम दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, आपको जानते हो, आप मतलब एक्सप्लोर करते हो ना, तो पहले माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ भी सर्च करना हो तो, आज इंटरनेट एक्सप्लोरर को इतना लोग सर्च नहीं करते, इतना यूज नहीं करते, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम, तो आप ज्यादातर क्या यूज करते हो, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम का आइडिया किसने दिया था, इस बंदे ने, अगर ये नहीं होता तो गूगल क्रोम होता ही नहीं, और अपनी यूनिक क्वालिटीज की वजह से आज गूगल कंपनी का ये बंदा सीईओ है, इंडियन, इतने हम्बल लो बैकग्राउंड से निकल के बंदा कहां से कहां पहुंच गया। अब आप अंदाजा लगाओ, इनकी सैलरी सुन के सबकी फट जाती है, मतलब ओ माय गॉड।